देश में जो है गैर का दरबारी ऐसे हर इंसान से मुझको नफरत है। अंग अटूट के शर्क की तो बात न कर, हर झूठे फरमान से मुझको नफरत है। जो मेरी कौमी पहचान को ख़त्म करे, ऐसी हर पहचान से मुझको नफरत है। इसके बाद लोहोद्रियन सदर शाहिद शरीफ से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्याल का इजहार करें। शाहिद शरीफ की सलाहें टूटेंगी, घुटनों को परेशान देखेंगे। दावा है हमारा जंजीरो, हम जश्न बहारान देखेंगे। बैठे मजल कायदीन, इंदार में बैठे असलफ के बाशोर और इनका भी दोस्तों साथियों, अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं अली सजल के असलफ के उन दोस्तों को जिन्होंने गाड़े के इस मौसम में इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, उनको मुबारकबाद देता हूँ। बस एक बात अपने आप दोस्तों के सामने रखूँगा, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। असलफ जो कि माज़ वतन की आज़ादी, खुदमुख्तारी और खुशहाली की दावेदार है, ये हमारा दावा ही नहीं कि हम माज़ वतन की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, बल्कि माजी में हमने ये चीज़ प्रूव भी की है। उन शहदा के हवाले से बात करूँगा जिन्होंने माज़ वतन की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। असलफ ने माले वतन की आज़ादी के लिए हर प्लेटफार्म से जिद्दोजहद की, चाहे वो तुलबा के मिसाइल थे, चाहे वो अवामी मिसाइल थे, चाहे वो कौमी मिसाइल थे, और अपने मंशूर को अपनी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज भी अपने मादर वतन की आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुशहाली के लिए बसरे पैकार हैं। मैं आप दोस्तों से बस इतनी गुजारिश करूँगा कि तमाम इलाकाई तसव की विलायत के तसव को, ये फिरकों ग्रोहों के इस तसव को, इस नासूर को बनाए साथ रखते हुए इस जिद्दोजहद को, इस ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब कीजिए। इस आज़ादी की तहरीक को कामयाब करने के लिए असलफ का साथ दीजिए। मेरी अल्फाज में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इन जिद्दोजहद आज़ादी खुद मुख्तारी खुशहाली।